भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिव गुरु जी उदयनी सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आर एस गौतम जी और जो मंच संचालन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश के रंजीत सिंह जी, कोषाध्यक्ष तलक सिंह जी, सचिव सिंह जी और जोन के अध्यक्ष सागरा क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, हम जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौर्य जी, उनके साथ समस्त और साथी आए हैं राज्य राजधानी क्षेत्र से वैशाली से जो सज्जन पधारे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एस एस गौतम जी का जो यहाँ पधारे हैं, संकल्प साउथ से संकल्प राज जी बहुत ही पधारे हैं और उत्तर पश्चिम से सागर जी पधारे हैं सभी, और उनके अध्यक्ष और तेज सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पधारे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बाबा साहब की जन्म जयंती जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद देता हूं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा से दो दिन पूर्व भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश ने बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया। जैसा कि पिछले साल और उससे पिछले साल गत वर्षों में जो होता रहा कि हमारी झांकियां दिल्ली के लाल किले से निकलती थी और यहाँ समापन होती थी, लेकिन आप सभी को विदित है कि जैसा कि हमारे सुनील कुमार जी ने आपको बताया होगा, इसी व्यवधान की वजह से परमिशन न मिलने की वजह से हमारी झांकियां नहीं निकल पाई, लेकिन इसका हमको जरा भी हंस मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि अभी जिन सज्जनों ने जिन्होंने कहा था कि हमारी संस्था बहुत ऊंचाई पर थी और बहुत नीचाई पर आ गई है, मौर्य जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्था का जो स्तर था वही स्तर अभी भी है, लेकिन सोच में फर्क आ गया है। ये फर्क केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय बौद्ध महासभा शांत बैठी हुई है, धर्म के अनुसार जो धर्म कहता है, बौद्ध धर्म कहता है, बुद्ध धर्म बुद्ध की जो शिक्षा है और नीति है उनके अनुसार भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है। बौद्ध कौन है? जो बौद्ध के सिद्धांतों पर बौद्ध की शिक्षाओं पर चलता है वो बौद्ध है, और जो जिनकी जो संस्था है वो भारतीय बौद्ध महासभा है। जो लोग बैर से बैर रखना चाहते हैं, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, इसलिए हम किसी के साथ बैर नहीं करते। इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश ने 29 तारीख की जगह कि आपस में बैर कलह न हो, इसलिए उन्होंने 28 तारीख का रखा 29 का न करके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध ने क्या कर आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिवस का वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, और आज ही के दिन वैसाख पूर्णिमा के दिन जो कि सोमवार की 31 अप्रैल की है, उस दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान लाभ हुआ था और उसी दिन पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। साथियों, ये त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। वैसे संक्षेप में कहा जाए, बुद्ध का धर्म समय काफी हो गया है। बुद्ध ने एक गाथा कही थी, सब पापस अकरण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोग पदन एकं बुद्धान साधनं।
बुद्ध ने कहा कि हमको कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, पाप कर्मों के करने से बचना है और कुशल कर्म का संचय करना है, इसी और अपने चित्त को प्रशुद्ध करना है। गोयनका जी ने कहा कि धर्म धर्म तो सब कहें और धर्म न समझे कोई, धर्म चित्त की शुद्धता शुद्ध धर्म है। तो साथियों, तो भगवान बुद्ध ने इसी के ऊपर अपना उपदेश दिया था, हमको अपने कुशल कर्म करने चाहिए। कुशल कर्म क्या है? हमसे दो तीन पहले एक सागर जी बोल के गए थे निश्चरण और पंचशील के लिए कि जो पंचशील है वही हमारे कुशल कर्म है, उनको करते रहना चाहिए। वैसे तो बोलने के लिए काफी था, अभी आपने भारत के प्रधानमंत्री को लंदन में बोलते हुए देखा था, सुना था। उन्होंने कहा कि सब्र में मैं विश्वास नहीं करता, सब्र का मतलब शांति, शांति में मुझे विश्वास नहीं है और सब्र में जो विश्वास करता है विकास रुक जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन इसके बाद चर्चा का विषय है, अभी आपने देख लिया होगा कि हमारे धर्म की क्या महत्ता है, वो सीलों पर भी आपने देखा कितना दंड मिला है, केवल तीसरे सील पर, तीसरे सील पर ही। पहला था जो उसके साथ वह पढ़ा सिखाता देव में शिक्षा पतन समाधानी, अग्नि लगाना देव में शिक्षा पतन समाधानी, कामेश इच्छा जाता देव में शिक्षा पतन समाधानी। ये आज से 3600 वर्ष पूर्व, लगभग 3600 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने जो कहा था, कामेश इच्छा जाता देव में शिक्षा पतन समाधानी, हमें काम बाजना की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और इसका नतीजा आपने देखा, जो अपने आप को संत बड़े महंत कहते हैं और उसको जीवन की उम्र पूरी उम्र कैद की सजा सुनाएंगे, वो केवल तीसरे सील का पालन नहीं करने की वजह से, और इससे पहले भी जो दूसरे संत हुए उनको भी इसके लिए सजा हुई। ऐसा कहा है कि काम को करना ही चाहिए। बुद्ध ने कहा है अपने तन को बस में करो, मन को बस में करो और वाणी को बस में करो। कहा है कि वाणी को बस में भरी, बस में भरा करी, जो मन बस में करे वही सूर होगी। कहते हैं कि हद का तपे तो हो लिया, बेहद तपे तो की, हद बेहद तो हो तपे, जानो संत फकीर। तो ऐसे लोग संत और फकीर नहीं होते। बुद्ध ने आज से लगभग 3600 वर्ष पहले यहाँ जो बात कही थी, कितनी सार्थक है, यही हमें विचार करना है, उसके ऊपर चिंतन और मनन करना है। ये हमें यही होगा जब हम बनते भी बोल करके बैठे, जब तक हम सीलों का अनुसरण नहीं करेंगे, सीलों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हमको शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं है, आँख में इंजेक्शन लगा है, मैं अधिक बोल नहीं सकता हूँ और मैं अपना समय जो मेरे बच्चा आएंगे उनको दूंगा। मेरी ओर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की, बाबा साहब की जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, मनोबुद्ध है।